हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ मलाई मटका कुल्फी। उसको बनाने के लिए ना तो मैंने कंडेंस मिल्क, ना मावा, ना मिल्क पाउडर और ना क्रीम यूज किया है। जो अपने घर में बेसिक से इंग्रेडिएंट्स रहते हैं उसी से मैंने बनाया है। पहली बार में ही आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। मैंने काजू लिया है, बादाम और फ्लेवर के लिए इलायची लिया है। सब चीज़ों को मिक्सर के जार के अंदर में डाल देंगे और 100 ग्राम चीनी लिया है और एक चम्मच के जितना मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। सब चीज़ों को हमें अच्छे से बारीक पीस लेना है। तो ये हमारा प्रीमिक्स बन के तैयार हो गया। एक कढ़ाई लिया है, उसके अंदर में 1 लीटर दूध लिया है। आप अपने घर में जो भी दूध आता है वो ले सकते हो। और दूध को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। जब उसके अंदर में एक अच्छे से उबाल आ जाएगा तो हमें दूध को इस तरीके से धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा ऐसा घुमाते रहना है। फिर जो हमने मिक्सर बना के तैयार किया था प्रीमिक्स, उसको इसके अंदर में थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। एक साथ हमें पूरा नहीं डालना है और इसको एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से घुमाते जाएंगे ताकि इसके अंदर में लम्स या गुठलियाँ ना बने। और इसको 5 मिनट के लिए हम इस तरीके से पकाएंगे। जब ये थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा तो कढ़ाई के चारों तरफ इस तरीके से चिपक जाएगा। ये देखिए, इस तरीके का ये गाढ़ा हो गया है। और हमें इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद में और भी गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, इतना गाढ़ा होना चाहिए। तो ये हमारा अच्छे से बन के तैयार हो गया है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इस तरीके का ये गाढ़ा हो गया है, ये देखिए। तो हमें एक ऐसे विस्कर की सहायता से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा मिक्स अच्छे से हो गया है, एकदम क्रीमी स्ट्रक्चर दिख रहा है। और मैंने ये 2 मटका लिया है, जैसे हम कभी कुल्फी वगैरह लेके आते हैं ना तो उसके मटके हैं, मैंने उसी का ही प्रयोग किया है। तो इसके अंदर में सबसे पहले हम बैटर को डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके सभी मटकों में बैटर को भर देंगे। और आप अपने पसंद का सेब का कोई भी मटका या कटोरी या डब्बा किसी में भी इसको जमा सकते हो, मगर ये मटका कुल्फी है। इस तरीके के मटके में जमाएंगे तो हमें दिखने में भी अच्छी लगेगी और बच्चों को तो खास करके अच्छे से पसंद आएगी। और एक मैंने एल्यूमिनियम फॉइल लिया है, इसको इस तरीके से हम कवर कर देंगे ताकि इसके अंदर में आइस क्रिस्टल ना बने। और आपके पास में अगर इस तरीके का एल्यूमिनियम फॉइल नहीं है तो आप कोई भी, जैसे दूध का पैकेट हो, प्लास्टिक हो, उससे भी आप इसको इस तरीके से पैक कर सकते हो। तो ये हमने इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। ये छोटा मटका है तो इसके ऊपर में ढक्कन लगा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने किया है। और मैंने एक ग्लास लिया है, ग्लास के अंदर में बैटर डाल देंगे तो इससे हमारी रोल वाली कुल्फी बन के तैयार हो जाएगी। आप अपने पसंद का कोई भी मोल्ड का उपयोग कर सकते हो। तो ये मैंने ग्लास के अंदर में भर लिया है। ग्लास को भी हमें अच्छे से इस तरीके से कवर कर देना है। और मैंने एक जो कुल्फी का मोल्ड आता है वो भी लिया है, उसके अंदर में भी हम बैटर को डाल देंगे। इससे हमारी कुल्फी बन के निकलेगी। और इसको हम ऊपर में एल्यूमिनियम फॉइल से इस तरीके से बंद कर देंगे अच्छे से। इसका ढक्कन भी आता है, अगर आप ढक्कन लगाकर भी इसको रख सकते हो। बीच में से थोड़ा सा कट लगाएंगे, ये आइसक्रीम की स्टिक है उसको इसके अंदर में इस तरीके से रख देंगे। और इसको हमें फ्रीजर के अंदर में 6 से 7 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए, जमने के लिए रख देना है। आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हो और ये अच्छे से जम के तैयार हो जाएगी। तो हमारी कुल्फी रखे 6-7 घंटे हो गए हैं, तो इसको हम खोल के देख लेते हैं और ये अच्छे से जम गई है। तो इसको हम सबसे पहले ओपन कर लेंगे, उसके ऊपर का फॉइल हटा देंगे, ये देखिए इस तरीके से। और कुल्फी हमारी अच्छे से जम के तैयार हो गई है। खास करके ये कुल्फी बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है और अभी गर्मियों का दिन है तो आप इसको बना के रख सकते हो और जब चाहे तब इसको खा सकते हो। ये देखिए कितनी क्रीमी क्रीमी बनी है। इसको अभी हम अनमोल्ड कर लेते हैं। एक बाउल के अंदर में पानी लिया, उसको थोड़ा सा ऐसा डिप करना है और 2 हथेलियों के बीच में इस तरीके से करेंगे और इसको स्टिक को पकड़ के गोल घुमाएंगे तो ये हमारी कुल्फी बड़ी आसानी से निकल जाएगी। ये देखिए एकदम परफेक्ट बनी है। कोई इस कुल्फी को खा के नहीं बोल सकता है कि ये घर में बनी है, ये बिल्कुल ही बाजार जैसी लग रही है। ये देखिए, अभी हमें ग्लास वाली कुल्फी है उसको भी अनमोल्ड कर लेते हैं।
ग्लास को इस तरीके से पानी में डालेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से उसको गोल गोल घुमाएंगे और बीच में चाकू इस तरीके से लगा देंगे और इसको इस तरीके से गोल घुमाएंगे ताकि ये आसानी से निकल जाए। और इसको हम इस तरीके से धीरे से इसको निकाल देंगे। ये देखिए एकदम बनी है ना क्रीमी क्रीमी। ऊपर से थोड़े से बादाम कटे हुए डाल देंगे और चाकू की सहायता से इस तरीके से हम इसके रोल कट कर लेंगे। तो ये हमारी रोल वाली कुल्फी बनके तैयार हो गई है। ऊपर से थोड़े से कटे हुए बादाम डाल देंगे तो ये हमारी कुल्फी बनके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, मेरी कुल्फी एक बार ज़रूर ट्राई करना, मेरे तरीके से बना के खाना और अपने जो भी सुझाव है मुझे कमेंट करके बताना। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और पहली बार मेरी चैनल पर है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरी जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप लोगों ने मेरी वीडियो पूरी देखी इसलिए आप सबको थैंक यू।